साहब आप कहाँ पे जा रहे हैं? हम रामनगर जा रहे थे, बताइए। वो एक्चुअली मैं भी पीरू मदारा तक जा रहा था, तो रामनगर के रास्ते में पड़ता है और मैंने कैब भी बुक कर दी है वो आने वाली, तो आप मेरे साथ ही चल दीजिए, आप आगे निकल जाना। हाँ ऐसे ही कर लेते हैं, एक साथ ही चल लेते हैं, फिर हम रात को वहाँ वैसे भी हम करने वाले थे कैब। हाँ नहीं वैसे भी इतनी रात में आप कहाँ डिस्टर्ब हो रही है। एक बात तो बताइए, इतनी गर्मी में स्कार्फ क्यों पहन रखा है? ये कौन सा फैशन है तुम्हारा भाई साहब? भाई साहब मैं तुम्हें पूछता हूं। भाई साहब सुनाओ। हाँ तो भाई साहब सब एक बात की बात है, एक ऐसी कैब ड्राइवर और को पैसेंजर साथ में बैठे हुए थे और उनके बीच किसी बात पे लड़ाई हो गई, गाड़ी चढ़ाने पे लड़ाई हो गई या किसी और बात, तो इस बात में उसको पैसेंजर ने उस कैब ड्राइवर की जान ली। कहीं पैसों को तो लेके नहीं हुई थी? नहीं नहीं पैसों को लेके तो नहीं होगी, बाकी हमें भी पूरी बात नहीं पता, पर इतना पता है कि उसको पैसेंजर ने उस कैब ड्राइवर की जान ले ली बड़े से चाकू से, लाल कलर का चाकू उसके पास, ऐसा बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है भाई साहब, साहब उसका आज तक कुछ पता ही नहीं चला वो कहाँ गया, और मारा ऐसा जाता है वो अब भी इस हाईवे पे लोगों को दिखते रहते हैं। बताइए भाई साहब कैसे कैसे लोग? पता नहीं मैं तो रोड नहीं निकल पाऊँ यहाँ से। भैया उतार दो मुझे। ठीक है भाई साहब। भाई साहब पैसे तो ले लो इनसे। बड़ी बात तो यह है भाई साहब उसको पैसेंजर का अब तक कुछ पता भी नहीं है, और लोगों का कहना तो यह भी है कि वो अब भी इसी हाईवे पे मिलता है उस बड़े चाकू के साथ।